मैदान पर खिलाड़ियों की मेहनत तो हम सभी देखते हैं, लेकिन टीम इंडिया में एक खिलाड़ी ऐसा भी है जिसने यहाँ तक पहुँचने के लिए मेहनत के साथ साथ अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना भी किया है। आज हम आपको ऐसे ही खिलाड़ी के बारे में बताएंगे जिसने 17 साल की उम्र में माँ को खो दिया था। बड़ी बहन ने घर संभाला और आज ये खिलाड़ी वर्ल्ड क्रिकेट में राज कर रहा है। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर रविंद्र जडेजा भारत के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडरों में से एक हैं। जडेजा का जन्म 6 दिसंबर 1988 को गुजराती राजपूत परिवार में हुआ। उनकी मां लता की 2005 में एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। जडेजा की मां उन्हें क्रिकेटर बनाना चाहती थी, हालांकि जडेजा की मां अपने बेटे को भारतीय टीम के जर्सी में नहीं देख पाई। 2006 में अंडर 19 विश्व कप से ठीक एक साल पहले उनकी माँ का निधन हुआ। उनकी माँ की मृत्यु के बाद उन्हें लगभग क्रिकेट छोड़ दिया था। रविंद्र जडेजा की मां का निधन हो जाने के बाद उनकी बड़ी बहन नैना ने उनको सहारा दिया और परिवार को भी संभाला, जिसके बाद जडेजा ने फिर से क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। रविंद्र जडेजा क्रिकेट के मैदान पर अपने बड़े बड़े कारनामों के लिए जाने जाते हैं। उनके पिता एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में सिक्योरिटी गार्ड थे। उनके पिता चाहते थे कि वह एक आर्मी ऑफिसर बने, लेकिन जडेजा की रुचि क्रिकेट में थी और वे क्रिकेट में ही आगे बढ़ गए। जडेजा हालिया समय में टीम इंडिया की अहम कड़ी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPL।